Hey, हमारे साथ चल ये वो है जो हम किसी के करते वक्त यूज करते हैं लार्जली थ्रो द सेंसिस हमारे पास जो भी तजुर्बा आते हैं वो हमारे अपने हिस्स के जरिए आते हैं हमारे अपनी पेंटा सेंसिस के जरिए आते हैं इमेजरी में भी डिफाइन इमेजरी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसिस कि इमेजरी हमारी ही सेंसिस की नुमाइंदा है एक्सपीरियंस हमारे तजुर्बा थ्रो लैंग्वेज जो कि जुबान के, के जरिए हमारे तजुर्बात होते हैं उनकी नुमाइंदा है कौन इमेजरी इमेजरी जो हमें जुबान के जरिए और हमारी सेंसेस के जरिए मिलती है और तजुर्बात हमें दिखाती है पोइट्स क्या करते हैं पोर्ट्स यूज इमेज हैं किसी की तस्वीर खुशी कर देना कोई दरख्त दिखा देना कोई पहाड़ दिखा देना कोई भी चीज दिखा देना कोई सुनवा देना कोई महसूस करवा देना वो ये यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए अ मेंटल पिक्चर हमारे दिमाग में कोई तस्वीर बन जाए इसके लिए वो सारा कुछ यूज करते हैं विजुअल इमेजरी जो होती है उसमें क्या होता है इज द काइंड ऑफ इमेजरी एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली और पोइट्री में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है विजुअल होता है देखने के काबिल हमें जो कुछ दिखाया जाता है और शायरी में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है बट एन इमेज लेकिन जो भी हमें इमेज दिखाया जाता है जो भी हमें पिक्चर कशी तस्वीर दिखाई जाती है मे रेप्रेजेंट मेनी थिंग्स फॉर एग्जाम्पल और ये एक तस्वीर एक ही जाविये से नहीं देखी जा सकती है उसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है ऑडिटरी इमेजरी एक होती है जिससे हमें साउंड का पता चलता है हमारे कानों से इसका ताल्लुक है ऑल फैक्ट्री का देखेंगे तो नाक से ताल्लुक हो गया ये स्मेल का देगी दस्ट फैक्ट्री देखेंगे तो ये टेस्ट का ताल्लुक दे रही है टेक्स

ये ज बीमारी वगैरह हमारी इस पर भी होता है फुटीक हमारी थकावट दिखाई जाती है ये ऑर्गेनिक होती हैं जो हमारे ऑर्गन से ताल्लुक रखते हैं मोटिव क्या होते हैं मोटिव एक इमेजरी होती है, है। इसमें क्या दिखाया जाता है इसमें हमें दिखाया जाता है जनाब रिक्रिक्र दोबारा दिखाया जाता है एक बनावट दिखाई जाती है और कंट्रास्ट किया जाता है उसी बनावर का दूसरे आलात के साथ दूसरी डिवाइस के साथ और डिवल्प कर दिया जाता है वर्क मेजर थीम और उसको काम का सबसे बड़ा मरकजी ख्याल बना दिया जाता है मोटिव में रिलेट टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट मोटिव जो होते हैं इनका ताल्लुक बहुत ज्यादा ठोस अशिया के साथ होता है जैसे कि ईस्टर्न वर्सेज वेस्टर्न तो ये दोनों ठोस ऑब्जेक्ट्स हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्किटेक्चर्स उनकी बनावट उनकी बनाई गई बिल्डिंग उनकी बनाई गई चीजें ये सारा एक ठोस कंक्रीट ऑब्जेक्ट है जिसको मोटिव मुतहरक मकसद करार दे दिया गया है इन ई एम्स, एम्स की देख लेते हैं बुक आप पैसेज टू इंडिया इसके अंदर उसने वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर का और आर्किटेक्चर का सारा मुआयना हमें दिखाया है और मे बी आ रिक हो सकता है ये ऐसा आइडिया जो कि दोबारा दोहराया जा सके या कोई ऐसे फ्रेज मुहावरा या जज्बात ये सब दिखाए जाते हैं किसमें like एक जो लिली ब्रेट है हमारे राइटर हैं उन्होंने क्या किया है कॉन्स्टेंट डिजायर वो मुसलसल ये ख्वाहिश करती है वर्ल्ड दुनिया में मजीद ऊपर की तरफ जाए इन एडेंथम्स एडेंथ वॉर्सन की लिखी हुई किताब द हाउस ऑफ मृत के अंदर हाउस ऑफ मृत बुक का नाम है आगे आ जाए सिंबल क्या होते हैं अलामते होती हैं एन ऑब्जेक्ट्स करेक्टर्स फिगर्स एक ऐसी चीज होती है जो कि कोई भी किरदार शे कोई भी हाथों हाल रखने वाली इंसान लगा लें कोई रंग लगा लें डेट इज यूज टू रिप्रेजेंट और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं एनएपस्ट्रेट आइडिया और कॉन्सेप्ट इन सबको यूज करने के लिए क्या यूज किया जाता है सिंबल्स यूज किया जाता है अलामत कलर की एक अलामत हो गई बॉडी फिगर की एक अलामत हो गई करेक्टर से वो एंटेगन एंड प्रोटेगनस्ट का अलामत ले लिया जाता है किसी चीज से माइनस और जो है नेगेटिव पॉजिटिव ले लिए जाते हैं मिसाल के तौर पर अगर दो रोड हमने देखते हैं दो सरके देख रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉड्स की पोईम में द रोड नॉट रेकम ये पोइम हमने करवाई भी हुई है अपने चैनल पे इसमें उन्होंने सिम्बोलाइज किया है दो ख्वाहिशात के दरमियान दो चीजों के दरमियान जो कि दो रस्ते दिखाई गए हैं इन लाइफ जिंदगी के अंदर बरक्स इसके एन एम्बलम इसके बरक्स के वो एक इसका बना लेते उसके कोई मकसद दिखा देते उन्होंने यूज करके हमें बताया कि डिफरेंट मीनिंग बता दिए डिफरेंट कॉन्टेक्ट के अंदर दो रस्ते थे ना एक अच्छाई की तरफ जा रहा है एक बुराई की तरफ जा रहा है एक आसान है एक मुश्किल है अ सिम्बल में रफली डिफाइंड शायद ये जो लामते होती है ना वो कुछ हमें शहादतें देती हैं कुछ हमें तारीफ बता देती हैं एज समथिंग डेट मीन मोर देन वट इट इज मजीद वो ये बताती हैं कि जनाब ये कुछ नहीं होती बल्कि उस कुछ से कुछ ज्यादा होती हैं जो हमें चीज दिखाई जाती है उसके अंदर जो हिडन मीनिंग्स होते हैं वो सिंबल्स के थ्रू हमें बताए जाते हैं और ये जो दिखाया जा रहा होता है उससे कुछ डिफरेंट हो जाता है इट इज अ विजिबल ऑब्जेक्ट ये हमने नजर आने वाला ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी एक्शन हो डेट सजेस्ट वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि यहाँ पे मजीद मीनिंग्स हैं इन एडिशन टू इट सेल्फीज के अंदर अगर आप मजीद रीडिंग करेंगे तो आपको मजीद मीनिंग मिल जाएंगे इमेज देख ले मैटर फॉर देख लें सिम्बल शेर देख ले इन टू इच अदर आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग बाज उत इनको पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है इमेज मोर एग्जाम्पल्स ले, 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 ले देख लेते हैं मोर एग्जाम्पल्स देखे तो कैसे होती है जैसे स्केल्स होते हैं वो जो वो तकड़ी सी नहीं दिखाते वो दो पॉलर ऐसे बड़े होते हैं उससे जस्टिस की मत, हमें जाता है इमेज जस्टिस स्कैप्चर को देख लेते हैं तो इसमें मिनार की और रूलर दिखा जाता है किसी भी रूलर का वो स्कैप्चर लगा ले स्कैप्टर लगा ले उसका मुजस्मा सजी लगा लें तो उसमें हमेशा बादशाह दिखाई देती है डव को देख लें तो अमन की अलामत समझा जाता है लाइन को देख लें तो स्ट्रेंथ और करज बहादुरी और मजबूती क्रॉस को देख लें क्रिश्चियनिटी की अलामत ये सारे हमें अलामतें ठहरा दी गई हैं क्रिस्टन को देख लें तो मुस्लिम की अलामत है इस्लाम की अलामत है वो जो पहले दिन का चांद होता है फिस्ट को देख लें अगर हम हम देखते हैं किसी की मुठियां दबी हुई हैं तो इसका मतलब है जनाब उसके एग्रेशन है उसके अंदर कोई दबाव आ रहा है परेशानी आ रही है रेस्ड आर्म बाजू अगर खुले हुए हैं तो इसका मेन उसने सरेंडर कर दिया जनाब उसने हथियार डाल दिया जर्नी की तरफ देख लेते हैं सिंबल लाइफ का लाइफ हमारी चलती रहती है डार्कनेस जो है वो डेथ का सिंबल है थीम की तरफ चले जाते हैं यहाँ पर आपको ये सारे उसने सिंबल्स बता दिए मुख्त चीजों को जो ठहरा चुके गए हैं फंडामेंटल जो होता है और यूनिवर्सल थी आइडियाज होते हैं उनको थीम कहते हैं फंडामेंटल और यूनिवर्सल आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन लिटरेरी वर्क्स आर कॉल्ड थीम्स ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन आपके पास आ गई मिसाल के तौर तो पर एक मेजर थीम जो होता है वो जॉन स्टेम्बिक्स एस्ट ऑफ इडन इन्होंने क्या दिखाया है जॉन स्टेम्बिक्स ईस्ट हिडन ये उनकी बुक है ईस्ट ऑफ हिडन उन्होंने क्या दिखाया मुसलसल और हमेशा रहने वाला एक मुकाबला दिखा दिया है किसके अंदर अच्छाई और बुराई के अंदर मुकाबला दिखाया गया ये उनका थीम था मुखलिफ जो होते हैं ना काम उनके मुख्तिफ थीम्स होते हैं आगे देख लेते हैं आर्किटेक्ट होते हैं जना पुरानी चीजों पर बात करना ये भी एक थीम है एक मोटिव है एक सिंबल है और स्टॉक करेक्टर भी इसमें शामिल हो सकते हैं और क्या करते हैं होल्ड्स मिलियर इनके पास एक बड़ा मखसूस और जिसे कहते हैं ना जाना पहचाना हुआ और फिक्स प्लेस्ड भी हो जाता है जो किसी भी कल्चर के कॉन्शियसनेस को हमारे सामने पेश करता है कॉन्शियसनेस कल्चर का शाउर हमारे सामने रख देता है किसमें आर्किटाइप आर्किटाइप में Archetype में. Archetype में पुरानी चीजें दिखाएंगे ना पुराने फैमिली दिखाएंगे पुराने करेक्टर दिखाएंगे पुराना सकाफत दिखाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं मेहनी मैनी कल्चर बहुत से ऐसे कल्चर्स होते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया में पाए जाते हैं फीचर्स उनके और एन आर्कीटाइप उनके दिखाए जाते हैं किसके जरिए री सलेक्टेड गोड कल्चर को वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सामने पेश करते हैं डिस्ट्रक्टिव होता है दोबारा गॉड को जिंदा कर देना गॉड के किरदार को दोबारा हमारे सामने ले आना उनके जरिए कल्चर दिखाया जाए तो उसे कहते हैं जनाब आर्की और उसमें क्या करते हैं हरलेड उसमें फिर हमें एक खबर सा बना दिया जाता है गोड को हरलेड कर दिया जाता है उससे उसके जरिए हमें खबर पहुंचाई जाती है कि कमिंग ऑफ स्प्रिंग बाहर आने वाली है

आर्किटाइप्स दिखाई गई हैं, पुरानी बातें बता दी गई हैं थ्री हमारी बड़ी तीन मिसालें थी आपके मिसालें हैं्बल की बहुत कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को एब्रैक्ट प्रति चीज दिखाई ना दे मिसाल के तौर पर स्टार को अगर देख लेते हैं ऑफ डेविड के स्टार देख लेते हैं एज एन एम्बालन ऑफ जीडिज्म

डेविड कहा है तो ये जूडिज्म की ही अलामत होगी स्टार ऑफ डेविड रिप्रेजेंटेटिविज्मिस्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट हम कॉन्टेक्स में नहीं जाके देखेंगे हमें पता चल गया ये डेविड के स्टार हैं स्टार्स हैं तो जूडिज्म की ही बात हो रही है क्रोस को अगर हम देख लेते हैं तो स्टैंड फ्रॉम फॉर द क्रिस्टियनिटी के लिए होता है क्रिस्टन को देख लेते हैं तो मुस्लिम के लिए स्टैंड होता है ये ये फिक्सड सिम्बल्स हैं आगे चले जाते हैं थी बात कर लेते थी मकाले होते हैं सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होते हैं किसी भी चीज का जो मरकजी बसुमबासा तो होता है ना उसे थी कहते हैं अगर कोई राइटर है वो बना रहा है इन अवर्क अपने काम के अंदर कोई थी बना रहा है तो उसको उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो है वो थीसिस की बुनियाद पर करना होता है

That साल के तो पर उसने ने जो लिखे थे द जंगल बुक अपनी उसके अंदर उसने जो शिकागो हमें दिखाया था मीट्स पैकिंग प्लांट्स कि शिकागो के रहने वाले क्या करते हैं पैकिंग प्लांट से मिलते हैं मीट्स उनसे गोश्त बनाते हैं पैकिंग करते हैं प्लांट्स करते हैं और ये सब्जेक्ट दिखाया जाता है क्योंकि पुअर इमिग्रेंट जो होते हैं ना जो गरीब लोग हिजरत करके वहां पर आ रहे होते हैं उनको हॉरिबल मामला से गुजरना पड़ता है अनजस्ट वर्किंग होती है वहां पर यानी उनसे काफी शिकागो के वर्कर से काम करवाया जाता है और वो काम उनसे अनजस्ट के बूते पर होता है यानी वहां पर इंसाफ नहीं चल रहा होता इन हालात पे ये काम चल रहा होता है ठीक हो गया वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से उसने हमें ये बात करके बताई उसने इसमें ये थीसिस यूज किया क्योंकि हमें कंक्रीट हमेंटर दिखा दिए कोई फिक्शनल किरदार नहीं बनाए थे नहीं दिखाए लेकिन फिक्शनल अपने पास से कोई किरदार बना दिया और उसे दुनिया के के कुछ मसाइल साथ हमें रूबरू करके पेश कर दिया गवर्नमेंट दिखाई उसने मस्ट डू समथिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम उसने कहा गवर्नमेंट को तो यहाँ कुछ करना चाहिए कि वर्कर्स के साथ इतना काम करवाया जा रहा है उनसे मीट पैकिंग प्लांट्स हो रहे हैं शिकागो के अंदर और वो जो आए हुए लोग हैं वो वहां पर हॉरीबल हद तक गैर इंसाफ जो है ना चीजों से सामना करना पड़ रहा है

जो स्टाइल था फा, फाइडोर का उसके नोट्स के अंदर कैसा लहजा था उसने बताया फ्रॉम अंडरग्राउंड इज आउट आउटरेज्ड ये जो उसने अपनी नोट्स लिखे थे उन नोट्स को उसने अंदर बताया कि ये जो अंदर अंडरग्राउंड होते वो, वो मामला जो हमारे पहुंच से बाहर हैं वो क्या है वो अंडरग्राउंड आउटरेज्ड गुस्से में है डेफिनेट उनमें बेबाकी पाई जाती है धीटपन पाया जाता है और क्लास्ट्रोफी

الله حافظ